बचपन की ईद तो मैं सब तो बाद चो तैयार होंदी होंदी सी ताकि मेरा सूट ना पहलो कोई देख लवे, क्योंकि जो पहलो कोई देख लेंदा सीगा तो फिर तारीफ उस हिसाब की नहीं सी होंदी जिदा की मैं चाहती होंदी सी। रात नूं हत्था ते मेहंदी लवा के ना मैनूं नींद ही नहीं सी आउंदी होंदी। एक तो उहदी खुशबू इन्नी सोहणी लगदी सी ते दूसरा वेट हुंदा सी कि जल्दी जल्दी बस सुबह आए तो मैं नवे कपड़े पा लवां। पता नहीं तुसीं उह रंग बिरंगे बच्चे चूज़ियां तरह के देखे आ ईद ते या नहीं देखे, पर मैं बहुत देखे आ। उन्होंने रेड लिपस्टिक, येलो आई शैडो ते पिंक ब्लश उन्दे नाल ग्रीन सूट ते सिल्वर जुत्ती पाई हुंदी, क्या ही ओ दूर लश्कारे मार रहे हुंदे आ। बचपन दा आही मजा हुंदा कि उहदे विच एस्थेटिक क्रिएटिव सेंस जीरो हुंदी आ ते जिहड़ी चीज़ सब तो ज़्यादा हुंदी आ ओह हुंदी आ खुशी। ते मैनू भी यही हुंदा सी कि मैनू उन्हां तरह ही तैयार करो, मैं भी दूरों ही लश्कारे मारा। बाकी सारियां गल्लां तां इक साइड ते तुहानू याद आ जदों ईदी विच नवे नवे नोट मिलदे हुंदे सी तां ओह वाली जिहड़ी खुशी हुंदी सी ओह फील जिहड़ी ऐसी अमीरां वाली वाइब आउंदी सी मैं की दसां। सब दे कोलों ईदी इकट्ठी करके फिर जो चीज़ां लैन जाईदा सी मैं देख रही हुंदी सी कि लड़कियां दा सिर्फ और सिर्फ फोकस हुंदा सीगा पिस्टल ते, कोई किद्दां दा पिस्टल लै रहा, कोई किद्दां दी गन लै रहा, ते उहनूं फड़ के ते ऐसे अपने आप नूं जेम्स बॉन्ड समझ रहे हुंदे सी कि उहनां तों ज़्यादा अज किसी विच पावर नहीं हैगी। तो लड़कियां आही डोल्स लै रही, कोई ज्वेलरी लै रही, रंग बिरंगिया रिंग्स लै रही, जिन्हों का कोई मकसद भी नहीं, कभी उन्होंने जिंदगी बाद चो पाया भी नहीं, बस उस टाइम तो सोहनिया लगदियां से तो लै लैके रखी जाइदियां सी। असी देनी सी अपनी कज़न नूं ईदी तो समझ नहीं सी आ रही, कोई ऐसे क्रिएटिव जिहा आइडिया मिले कि जिहदे नाल असी उहनूं ईदी देईए तो उहनूं याद भी रह जाए। मैं तां उहनूं कहा सीगा पूरी बास्केट उपरों कवर कर दो तो विच कुछ भी ना रखो, उहनूं सही तरीके नाल याद रह जाणा, पर फिर इहनां ने कहा कि नहीं, इह तां बदतमीजी आ, किसी दी फीलिंग्स दा इमोशनस दे नाल इदां नहीं करना हैगा, तो सही तरीके नाल कोई अच्छी जी ईदी दा करके ना तो दिने। तो फिर आ सारिया चीज़ा असी ऑलमोस्ट खुद ही तैयार कीतियाँ, तो जो भी एक नज़र आया होना केस उस जो ज्वेलरी वगैरह वो सारा कुछ असी खुद बनाया। बाकी आ बैंगल्स ते शूज़ और कपड़े वगैरह परफ्यूम वगैरह ये तो ओबवियसली नहीं बनाए जा सकते, इसे लिए असी ले ते जी। बाकी तुसी देख लो छोटिया छोटिया चीज़ा ये असी ऐड कर दितियाँ, उनकी बेटियाँ भी हैं तो उनके लिए भी हमने ये साथ में डॉल और उसका साथ में फ्रॉक वगैरह बना दिया, क्योंकि बच्चों को बड़ी खुशी होती है इस चीज़ की। तो बाकी जो भी हमें लगा के एक ईदी में होना चाहिए छोटी छोटी चीज़ें वो हमने ऐड कर दी हैं। और ये जो खाने पीने की चीज़ें थी इनको देख के मेरा दिल नहीं कर रहा था कि छोटी वाली बास्केट उनको मैं पार्सल करूं, लेकिन मुझे पता था कि उनकी जो छोटी वाली बेटी है ना वो बड़ी खुश होगी इसको देख के। तो ये दिखाने का मकसद ये आ कि तोड़ा भी एक अदद भाया हैगा, वाह कोई मतलब समझ रहे हो, हिलो थोड़ा जहा। पिछले व्लॉग च मैं थोड़े को पूछा सीगा कि मैं पंजाबी च व्लॉग करया करा या उर्दू च करया करा या फिर दोनों मिक्स करके या किस तरीके दे नाल, तो मोस्टली यही क्या होया सीगा कि मैं पंजाबी बोलिया करा, तुहानू पंजाबी मेरी चंगी लगती आ। अच्छा कुछ लोग तो कहें कि यह पाकिस्तान की पंजाबी है ही नहीं हैगी, यह इंडियन किसी मतलब एरिया की ना पंजाब की या इंडिया से जो जो भी इदा का एरिया है जिथे पंजाबी बोली जाती है ये उत्थे दी पंजाबी आ। तो मैनू नहीं समझ आई कि मैं किस तरीके ना उहदे नाल रिलेट करदी हाँ, या तो कुछ इदा होएगा कि मेरे कोई फोर फादरस उत्थों आए होणगे या फिर कोई मतलब किसी ना किसी तरीके ना कोई कनैक्शन होएगा ही जिहड़ा उहनां नूं इदा लगता वा। खैर इहदे बारे च हुण मैं तहकीक करनी आ, तो जदों ही मैनू आंसर मिलिया तो मैं तुहानूं दसूंगी कि मेरी पंजाबी प्योर किस इलाके की आ। तुसी सूट शूट देख लो फिर ईदी भेजने लिए आप भी तो तैयार होना पैंदा ना बंदे नूं, ताकि ईदी देने वाला मूँह भी तो लगे ना। तो ये ड्रेस जो है इसकी हमने डिटेल सारी इसी चैनल पे आपको दी हुई है पूरे के पूरे। तो ये जो दो बंदे तैयार हो चुके हैं ईदी भेजने के लिए, और साथ में जो बंदा है इसका मुझे डाउट है कि ये रास्ते में कुछ बीच में दो नंबरी कर लेगा, लेकिन चले देखते हैं, इंशाल्लाह पहुंच ही जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग च, अल्लाह हाफिज़।